अब बेरा है प्रदेश भर के जम्मो छोटे बड़े खबर मा फटाफट नजर दौड़ाए के तो देखो दनादन खबर के ठिकाना खबर हकन के। आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला ला पूरा देश में मिले है पहला स्थान। नीति आयोग जून 2020 की स्थिति ला देखत हुए रैंकिंग करे है जारी। बिलासपुर जिला के तखतपुर क्षेत्र में अस्थायी गौठान में 50 गौ वंश के मौत ऊपर सीएम भूपेश तुरंत ली संज्ञान, दोषी मन ऊपर सख्त कार्रवाई के दिश निर्देश। कोरोना ला लेके सीएम भूपेश बघेल के आइस बयान, कहीं प्रदेश के अभी नहीं है दिल्ली और मुंबई जैसन हालात, लॉकडाउन बढ़ाए बर समीक्षा के बाद ले है जही फैसला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण टूरिस्ट अब तक के सब रिकॉर्ड, एक दिन 426 लोगन मिली कोरोना संक्रमित मरीज, प्रदेश में कुल एक्टिव मरीज की संख्या पहुंची 2200 के पार। कोरोना संक्रमण और इलाज की स्थिति ला जाने बर सीएम भूपेश बघेल एम्स के डायरेक्टर ले करी संवाद, मरीज मन के उपचार और सुविधा के लिए जानकारी, उन्नत चिकित्सा बर करी चर्चा। महासमुंद के बागबहरा में कम गोबर खरीदी ला लेके नोटिस करे गए जारी, संचालनालय ले वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ला नोटिस जारी करके खरीदी बढ़ाए बर दिए है निर्देश। प्रदेश में संविलियन ने वंचित शिक्षा कर्मी मन की शिक्षा विभाग में करी गई संविलियन, 2 बच्चर की सेवा पूर्ण कर ले 16,278 शिक्षा कर्मी मन के 1 नवंबर ले संविलियन बर आदेश करी गई जारी। शिक्षा कर्मी मन के संविलियन के कांग्रेस करी स्वागत, शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस ल बताई वादा ल पूरा करिया सरकार। शिक्षा कर्मी मन के संविलियन के बाद संविलियन अधिकार मंच द्वारा News36 लाइव के करे गई धन्यवाद, संघ के संयोजक विवेक दुबे संविलियन के मांग ला प्रमुखता ले उठाए बर जताइस आभार। बिलासपुर जिला में 50 गाय मन के मौत में सीएम द्वारा दिए गए जांच निर्देश के बाद कलेक्टर करीस जांच कमेटी के गठन, जांच करके 3 दिन में सौंपे जाही रिपोर्ट। जांजगीर चांपा पुलिस ला दोहरा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाए में मिली बड़का सफलता, 12 घंटा के भीतर ही आरोपी आईस पकड़ में, एक महिला समेत 4 आरोपी होइस गिरफ्तार। जनकपुर थाना क्षेत्र के उदकी गांव में स्वामी दिन अपन परिवार के साथ खेत में धान रोपाई करे बर गए रहीस, कोरोना काल में स्कूल बंद होए ले ओकर संग में 9 बच्चर के मासूम लड़का भी खेत में जात रहीस, वो लड़का खेत में खेलत के बेरा परिजन ला बिना कुछ बताए घर कति चले गई, जैसे ही मासूम सड़क में पहुंची तो ट्रैक्टर और कार के साइड लेत बेरा दोनों गाड़ी के चपेट में आ गए, जेकर चलत कार के जोरदार टक्कर ले मासूम घायल हो गए और बेहोश होके सड़क में गिर गए, घंटों सड़क में पड़े रहे के बाद कुछ राहगीर के नजर खून ले लथपथ मासूम में पड़ीस तो ओला पहचान के घर में छोड़ आईन, जेकर बाद सूचना पाके मासूम के परिजन मासूम ललेक उप स्वास्थ्य केंद्र माड़ी सरई ले गयी, जिहां डॉक्टर है गंभीर अवस्था में देख प्राथमिक उपचार करे के बाद जनकपुर रिफर कर दी, जिहां ओकर इलाज जारी है। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत अगलतरा में लॉकडाउन की स्थिति के जायजा लेहे बर कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर निरीक्षण करीस, इस दौरान सड़क में बेवजह घुमैया मन के ऊपर कार्रवाई करीन और सख्त चेतावनी दीन। राजनांदगांव में गृह मंत्री ताम्रध्वज के फटकार के हुई असर, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में हुई मौत के 24 घंटा के भीतर पकड़े गयी आरोपी। राजधानी के विख्यात महावीर व्यायामशाला में ए दरी नाग पंचमी में कुश्ती प्रतियोगिता नहीं करे जावत है आयोजन, हर बच्चर कुश्ती प्रतियोगिता के करे जात रही आयोजन, कोरोना के कारण 125 बच्चर के टूटी परंपरा। बालोद जिला में नागपंचमी के अवसर में सिवनी गांव के सपेरा मन अपन पूर्वज के जुन्ना परंपरा ला जिंदा रखे बर सांप मन के करीस पूजा अर्चना। बालोद जिला में News36 खबर के होइस असर, कुछ दिन पहली गुरूर ले सनोज जाय वाले रोड के गड्ढा मन में अवैया जवैया मनला होत परेशानी ले जिला प्रशासन ला कराए रहीस अवगत, खबर में संज्ञान लेवत हुए अब सड़क के करे जावत है मरम्मत। बिलासपुर जिला में पर्याप्त मात्रा में गिरा थे पानी, बिलासपुर के जीवन रेखा अरपा नदी के बाढ़ी जल स्तर, महीना भर पहली एक कुंटा में पानी बहा दिखे वाले अरपा नदी पानी ले दिखा थे लबालब। बिलासपुर शहर में लॉकडाउन की तीसरे दिन सघन चेकिंग अभियान जारी, दोपहर बाद शहर के सड़क हो जावत है सुनसान। अब मौका है घर बैठे टीवी और स्मार्टफोन जीते के, हमारे मोबाइल ऐप News36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड करो और छत्तीसगढ़ी जनौला पहेली में भाग लेके घर लावाओ टीवी और स्मार्टफोन। अब बेरा हो चले एक छोटकन ब्रेक के, फिर आप मन देखत रहो आप मन के अपन चैनल News36 छत्तीसगढ़ के आवाज।